गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एक बार फिर से चर्चा करने जा रहे हैं द मंकी एंड द स्ट्रा हैट। हमारा टॉपिक चल रहा था, हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ चल रहा था। कौन सा चैप्टर चल रहा था? फिफ्थ चैप्टर चल रहा है, लेसन नंबर फिफ्थ जो है आपके सिलेबस का वो चल रहा है। उसके अंदर हमारा टॉपिक में जो सिलेबस का जो लेसन नंबर फिफ्थ है उसका नाम है द मंकी एंड स्ट्रा हैट, बंदर और पनामा टोपी। मेरे एक बंदर की कहानी है, बड़ी शानदार कहानी है, जब आप पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। और छोटे बच्चों के लिए तो स्पेशली जब उनको स्टोरी टाइप का चैप्टर मिलता है बंदर कैसा होता है, तो आपके इमेजिनेशन आती होगी, कल्पना करते होगी कि बंदर किस तरह झूला झूलता है, एक टहनी से पेड़ के दूसरे टहनी पर जंप मारता है, कूदता है, उछलता है, और किस तरह से वो एक आदमी की नकल करने की कोशिश करता है और नकल में उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है और भाग्य से उसने साथ दिया और उस व्यक्ति की गलती से वो बंदर वापस निकल करके बच जाता है। तो वो हम कहानी पढ़ रहे थे, हमने ये तक पढ़ लिया था कि जंगल में एक बंदर रहता था और बहुत ही वो एक टहनी से दूसरी टहनी पर, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच पर पेड़ों पर झूलता रहता था और हर एक नई चीज़ के बारे में जानने को लेकर के बहुत उत्सुक रहता था। उसे नई नई चीज़ें जानने की बहुत इच्छाएँ होती थी। एक दिन एक मंकी ने देखा कि एक व्यक्ति जो कि येलो कलर की टोपी पहने हुए था और पनामा टोपी उसने पहन रखी थी, द मैन और उस आदमी ने भी उस बंदर को देख लिया, दोनों ने एक दूसरे को देखा। अब उसमें होता क्या है कि जो व्यक्ति उसके मन में विचार आता है कि मैं इस बंदर को पकड़ करके बाजार में बेचूं, इस बंदर को पकड़ूं बाजार में बेचूं, तो आदमी आपको पता है बहुत चालाक होता, तो उसने अपनी टोपी वगैरह उतार करके कैसे न कैसे बंदर को फंसाने की कोशिश करी। और यहाँ तक हमने पढ़ लिया था ये बात मार्केट तक बेचने की। उससे आगे देखते क्या होते हैं, जब उसके दिमाग में ये विचार चल रहा था कि मैं बंदर को कैसे पकड़ूं, तो उन्होंने आइडिया लगाया द मैन, क्योंकि उसको जानने की इच्छा थी जो नकल करता था। तो बात करते हैं द मैन पुट हिज हैट, द मैन पुट हिज हैट, द मैन पुट हिज हैट ऑन द ग्राउंड, द मैन पुट हिज हैट ऑन द ग्राउंड, व्यक्ति ने अपनी टोपी को जमीन पर रख दी। ग्राउंड यानी जमीन, मैदान, पुट हिज हैट, पुट यानी रखा, हिज यानी अपनी, हैट यानी टोपी, ऑन द ग्राउंड यानी जमीन पर, द मैन यानी आदमी, आदमी ने अपनी टोपी जमीन पे रख दी। अब जमीन पे रखने के बाद वह क्या करता है, ही हाइड बिहाइंड ए ट्री, और वह कहां छुप जाता है, ही हाइड बिहाइंड ए ट्री, ही हाइड बिहाइंड ए ट्री, और वह एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। बिहाइंड यानी पीछे, हाइड यानी छुपना, ट्री यानी पेड़, वो ग्राउंड पे उसकी टोपी को रख के एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। फिर क्या करता है, द मंकी केम डाउन, द मंकी या मंकी केम डाउन, द मंकी केम डाउन, द मंकी केम डाउन, बंदर नीचे उतरा, द मंकी केम डाउन यानी वो पेड़ पे था, पेड़ से नीचे उतर कर ग्राउंड में आता है। ही पिक्ड अप द हैट, उसने क्या किया, ही पिक्ड अप, ही पिक्ड अप द हैट, उसने क्या किया, ही पिक्ड अप द हैट यानी टोपी को उठाया, एंड पुट इट और रखा, एंड पुट इट और उसे रखा, एंड पुट इट ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड और अपने सर पे रखा, किस पे रख लिया, टोपी जो जमीन पे रखी हुई थी उसे उठाया और अपने सर पे रख लिया। टोपी थोड़ी बड़ी थी, बंदर का सर आप जानते हैं थोड़ा छोटा होता है, तो उसका पूरा मुंह ढक गया, उसको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब देखिए जैसे ही वो करता है, पुट द हैट कवर्ड, द हैट यानी टोपी
द हेट यानी टोपी, कवर्ड यानी ढक लिया, द मंकीज हेड, द मंकीज हेड यानी बंदर के पूरे हेड को, सिर को उसने कवर कर लिया, ढक लिया। अब ढक लिया तो वो क्या नहीं कर सकता, ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं पाया, ही कुड नॉट सी यानी वह बिल्कुल भी देख नहीं पाया, ही कुड नॉट सी, वह देख नहीं पाया। अब देख नहीं पाया तो इसका फायदा कौन उठाएगा, वो आदमी जिसने झाड़ियों के पीछे छुप करके टोपी रखी थी और बंदर को पकड़ने का जिसके मन में विचार चल रहा था, तो ये सारा काम उसने किया। पहले तो क्या किया, द मैन पुट हिज हैट ऑन द ग्राउंड, उस व्यक्ति ने जमीन पे अपनी टोपी रखी, ही हाइड हाइड यानी छुपाना या छिप गया, ही हाइड बिहाइंड ए ट्री, वो एक पेड़ के पीछे छिप गया, द मंकी केम डाउन, बंदर है वो पेड़ से नीचे उतरा, ही पिक अप द हैट, उसने टोपी उठाई एंड पुट इट ऑन हिज हेड, अपने सर पे रखी, द हैट कवर्ड द मंकी हेड, टोपी ने बंदर के पूरे सर को ढक लिया, ही कुड नॉट सी, वह कुछ भी देख नहीं पाया। अब क्या करता, देखो ये इतनी बातें जब हो जाती है तो द मैन पिक्ड हिम अप क्विकली, वो उसको तुरंत उठाना चाहता है और क्या करना चाहता है, बंदर को पकड़ना चाहता है। अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि इतनी बात जब हो जाती है यानी ही कुड नॉट सी, वह कुछ देख नहीं पाया, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। अब ये जो बात कंप्लीट होती है, आगे बात ये चलती है, द मैन पिक्ड अप, द मैन पिक्ड अप, द मैन यानी आदमी, पिक अप यानी उठाया, द मैन पिक अप, पिक्ड अप क्विकली, पिक्ड हिम अप क्विकली, पिक्ड हिम अप क्विकली यानी तुरंत, QUICKLY क्विकली यानी तुरंत प्रभाव से, जैसे ही वो टोपी को उसका सर बंद हो गया, उसको दिखाई नहीं दिया, उसी दृष्टि पर तुरंत प्रभाव से उसको पकड़ करके उठाया, एंड क्विकली तुरंत प्रभाव से उसको उठाया, एंड ही पॉप्ड POPPED पॉप्ड यानी डाला, पकड़ करके क्या करना होता है, पॉप्ड का मतलब क्या हो गया, डालना, पॉप्ड यानी डाला, ही पॉप्ड कहाँ डाला उसको, ही पॉप्ड द मंकी, उसने बंदर को डाला, ही पॉप्ड द मंकी, ही पॉप्ड द मंकी, उसने बंदर को डाला, इन टू ए बैग, किसमें डाल दिया, इन टू ए बैग, देखिए, ही पॉप्ड द मंकी इन टू, इन और टू दोनों एक साथ आते हैं, इन टू ए बैग, उसको एक थैले में, एक बैग में डाल दिया, बंदर बेचारा फंस गया, लालच में आ गया, टोपी हर चीज जानने की वो जिज्ञासा थी उसकी, वो जिज्ञासा उसके लिए खतरा बन जाती है यहाँ पर, वो उस केप को आनंद लेना चाहता था और उसकी चालाकी को समझ नहीं पाया था, इसलिए उसने क्या किया, नीचे उतर करके केप को अपने सर पे रखा और उसको दिखाई नहीं दिया, और उसका फायदा किसने उठाया, उस आदमी ने उठाया, बंदर को पकड़ा और थैले में डाल लिया। अब देखना, द मैन हेल्ड द बैग टाइटली, द मैन इधर आ जाएगा, द मैन हेल्ड यानी पकड़ लिया, द मैन हेल्ड द बैग टाइटली, उस व्यक्ति ने उस बैग को कस करके पकड़ लिया, बिल्कुल टाइट पकड़ लिया, कस करके पकड़ लिया, ताकि उसे कोई छुड़ने का या उसको छुड़ाने का बंदर की एक्टिविटी पर नियंत्रण रख सके। अब देखिए, ही वोर उसने पहना, हिज हैट, हिज हैट, उसने अपनी टोपी पहनी, एंड वॉक्ड फास्ट, एंड
वॉकड फास्ट और तेजी से चलने लगा, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, उसने बंदर को टाइटली कस करके पकड़ लिया और उस जल्दी जल्दी वो वहां से निकलने लगा, जाने लगा। अब उतने में क्या होता है, सस्ट देन एक हवा का झोंका आएगा, टोपी उड़ जाएगी, वो बैग जल्दबाजी में बैग को खुला छोड़कर टोपी को बचाने लगेगा, बंदर छूट करके दौड़ लगा देगा। फिर बंदर ने क्या डिसीजन लिया, क्या निर्णय लिया, वो हम बात आगे अभी देखते हैं कि उसमें क्या बातचीत होती है, अगले पैराग्राफ में ये स्टडी करने वाले। आगे जब इतनी बातें क्लियर हो जाती है कि बंदर को वो लेकर के जल्दी जल्दी जाने लगता है, तभी जस्ट देन ए गस्ट। अब गस्ट का मतलब होता है हवा का झोंका। देखिए, जस्ट देन ए गस्ट ऑफ वाइंड केम, ऑफ वाइंड केम, तभी एक जोर से हवा का झोंका आता है। इट ब्लू हिज हैट ऑफ, इट यानी यह, ब्लू यानी उड़ा देता है, इट ब्लू ये उड़ा देता है, इट ब्लू हिज हैट ऑफ, हिज हैट ऑफ, इससे उसकी टोपी है वो उतर जाती है या उड़ जाती है। हम यहाँ हैट ऑफ का मतलब होता है अलग होना, हैट का सिर से अलग होना, तो मतलब टोपी उड़ जाती है हवा के झोंके से, टोपी क्या है उड़ जाती है। द मैन ट्राइड टू कैच, अब वो आदमी क्या करता है, द मैन ट्राइड टू कैच, द मैन ट्राइड टू कैच, वह व्यक्ति पकड़ने की कोशिश करता है, हिज हैट अपनी टोपी को, हिज हैट, द मैन ट्राइड टू कैच हिज हैट, द मैन ट्राइड टू कैच हिज हैट, वह व्यक्ति अपनी टोपी को पकड़ने का प्रयास करता है। लेकिन होता क्या है, इन हरी जल्दबाजी में, एच यू डबल आर वाई, इन हरी यानी जल्दी में, इन ए हरी जल्दबाजी में अचानक से टोपी उड़ी, तो उसने टोपी को पकड़ने के लिए यूं हाथ किया, उतने में बैग इस हाथ से लूज हो जाता है, उसको छोड़ता है और टोपी को पकड़ता है, उतने में बैग खुला रह जाता है, बंदर छलांग लगा के भाग जाता है। फिर देखो क्या होता है, अच्छा, इन ए हरी ही लेफ्ट द बैग ओपन, जल्दी में उसने क्या किया, बैग को खुला छोड़ दिया।